सर पे ओ भोले अपने चूनरिया डाल के, सर पे ओ भोले अपने चूनरिया डाल के, भोला से बन जाओ मोरी भुगता निकाल के, भोला से बन जाओ मोरी भुगता निकाल के, सर पे ओ भोले अपने सर पे ओ भोले अपने चूनरिया डाल के, भोला से बन जाओ मोरी भुगता निकाल के, भोला से बन जाओ मोरी भुगता निकाल के। अब कहने लगे शंकर भगवान, इसकी चिंता मत करो देवी, हमारे पास बहुत बड़ा झोला है। इनको तो गोरा मेरी, इनको तो गोरा मेरी झोली में डाल दे, भोला से बन गए होली घुंघटा निकाल के, भोला से बन गए होली घुंघटा निकाल के। कहकर शंकर भगवान पहुंच गए पार्वती मैया के साथ अजरास में। अब देखा सब गोपियां वहां पर एकत्रित हैं। अब शंकर भगवान ने कहा, कम कर लिया कर भाई, थोड़ी सी कम कर लिया, जब मुझे खुद मेरी आवाज समझ में नहीं आएगी इनको कहां से आएगी। तो कहने लगे भगवान, कितनी बोल रहे, थोड़ी सी और बढ़ा लेना। अब भगवान कहने लगे देवी की भी लाज रखी जाए। तो भगवान ने घूंघटा तोड़ ही रखा था, कन्हैया ने देख लिया, अच्छी खासी हष्ट पुष्ट और तो सब हल्की हल्की सी है, ये तो बहुत अच्छी खासी है, और सबसे बड़ी बात ये कि सबने तो घूंघट नहीं लगाया है, ये तो घूंघटा भी उड़ गया है, सबसे पहले इसे ही देखेंगे कौन है। अब कहने लगे कन्हैया एक काम करो, रास शुरू करने से पहले हम सब गोपियों का मुख दर्शन करना चाहते, सब लाइन लगा करके खड़े हो जाओ। अब सब लाइन लगा के खड़े हो, भोलेनाथ भाग करके सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। अच्छा, तो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं भगवान। तो कहने लगे हम मुख देखना शुरू करेंगे, पर आगे से नहीं पीछे से देखना शुरू करेंगे। अब जब भगवान ने सुनी ये अच्छी आफत है भाई, पीछे से भागे आगे की तरफ जाए। अब भगवान कहने लगे कहां तक भागोगे प्रभु। खबर पड़ी जब नंदलाला को, नंदलाला मुस्काए, नंदलाला मुस्काए, खबर पड़ी जब नंदलाला को, नंदलाला मुस्काए, नंदलाला मुस्काए, सब तो आई बिन घूंघट के, सब तो आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में आए, मन ही मन कहने लगे कन्हैया पाले पड़े हो भोले, पाले पड़े हो भोले, आज घनश्याम के भोला से बन गए होले घुंघटा निकाल के, भोला से बन गए होले घुंघटा निकाल के। और जब इतनी बात हुई कहने लगे ज्यादा देर हम ये भाग दौड़ चलने नहीं देंगे आप। कन्हैया ने कहा हम आगे जाएंगे, ये पीछे भागेंगे, हम पीछे जाएंगे ये आगे भागेंगे। कन्हैया ने अपनी बांसुरी को निकाला और अपने स्थान पर खड़े होकर बांसुरी को बजाना शुरू किया। अब जैसे बांसुरी को बजाया भाव विभोर हो गए भोलेनाथ भगवान, नाचने लगे अपने स्थान पर, गोल गोल घूमने लगे। इतना भाव विभोर हुए
कि सर से पल्लू सरक गया। अब जैसे ही सर से पल्लू सरका, सारी गोपियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई भगवान भोलेनाथ। अब भगवान भोलेनाथ भी सिर नीचे करके खड़े हो गए, हंसने लगे ठाकुर जी और कहने लगे, घूंघट पलट दिया कान्हा ने, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए, घूंघट पलट दिया कान्हा ने, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। उसी समय पर भोले शंकर, उसी समय पर भोले बाबा, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। अब भगवान ने वरदान दिया, आप गोपी स्वरूप में गोपी बनकर के दर्शन करने आए हैं। आज से आपका स्वरूप वृंदावन में स्थापित होगा, जिसको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। बिहारी जी का दर्शन करके अगर गोपेश्वर महाराज के दर्शन ना करे तो दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय।